फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड टुडेस टॉपिक इज सीएसएफ एनालिसिस, सीएसएफ एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड एग्जामिनेशन पैथोलॉजी हम कर रहे हैं। सो पैथोलॉजी को अगर आपने देखा हो तो दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज क्लिनिकल, जिसमें कि हम टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज आपका सिस्टमैटिक वाला जनरल, जिसमें कि सिस्टम्स की जो डिजीज कंडीशन है वो पढ़ते हैं। सो क्लिनिकल जो है, क्लिनिकल के अंदर हम एग्जामिनेशन को पढ़ते हैं, लाइक स्टूल हो गया, यूरिन एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। सो या स्टार्ट करते हैं सीएसएफ एनालिसिस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि सीएसएफ क्या होता है। सीएसएफ को हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये एक ऐसा एनालिसिस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो कि मेनिनजाइटिस के लिए, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स के लिए किया जाता है, और भी चीज़ों के लिए किया जाता है। ये आपका लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू इसको ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। लंबर पंक्चर निडल होती है, ठीक है, अंडर स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशंस के अंदर रह करके हम इसको परफॉर्म करते हैं। मेनली डॉक्टर इसको परफॉर्म करते हैं असेप्टिक टेक्निक्स के अंदर रह के, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। सीएसएफ का प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर अडल्ट की बात करें तो 90 mm से 180 mm ऑफ वाटर होता है। चिल्ड्रन की बात करें तो 40 mm से 100 mm ऑफ H2O होता है सीएसएफ का प्रेशर। साइट्स की बात करके कहाँ कहाँ से जो है आप सीएसएफ कर ले सकते हैं लंबर पंक्चर, तो अडल्ट में बात करते हैं अगर इसकी, तो मिड लाइन ऑफ द लोअर बैक इन थर्ड लंबर स्पेस, जो थर्ड लंबर स्पेस होता है वहाँ से लिया जाता है। और चिल्ड्रन की बात करें तो फोर्थ लंबर स्पेस से इसको लिया जाता है। दैट इज़ अ वेरी क्लियर वाइट फ्लूड होता है ये एक, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कलेक्शन, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन सबसे पहले पेशेंट की क्या होनी चाहिए, लेटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन उसकी होनी चाहिए, या फिर सिटिंग अपराइट पोजीशन होनी चाहिए। तीन तरीके की पोजीशन इसमें हो सकती है दैट, ठीक है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि रिमेन इन फेटल पोजीशन में रहे, विद द नेक बैक लिम्स हेल्ड इन फ्लेक्शन, ठीक है। द स्किन शुड बी क्लीन्ड विद अल्कोहल, जो स्किन है ऊपर की उसको अल्कोहल से वेरी क्लीन किया जाता है अच्छे से। देन एक स्टेराइल ड्रैप को प्लेस किया जाता है वहाँ पर। लोकल एनेस्थीजिया इज इनफिल्टर्ड इन टू प्रीवियसली आइडेंटिफाइड लंबर आइडेंटिफाइड स्पेस, ठीक है। एंड टू वहाँ पर क्या होता है कि एनेस्थीजिया, लोकल एनेस्थीजिया को दिया जाता है। देन जो 20 से 22 गॉज वाली लंबर पंक्चर निडल को लिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक स्टाइलेट होता है, इंसर्ट किया जाता है लंबर के इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है। जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसे होती है, ऐसे करके होती है ना, मान लीजिए जो यहाँ पर स्पेस होता है, कभी आप स्पाइन को टच करिए और वहाँ पर फील कीजिए जो स्पेस होता है, यहाँ पर इस निडल को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद निडल को बहुत ही स्लोली जो है इंसर्ट किया जाता है, एडवांस स्लोली इंसर्ट किया जाता है, जब तक कि वो सब अरेक्नोइड स्पेस तक ना पहुंच जाए। जैसे ही वो सब अरेक्नोइड स्पेस में एंटर करती है, सीएसएफ जो है आना शुरू हो जाता है निडल में। द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू एक्सटेंड द लेग्स टू अलाउ फ्री फ्लो सीएसएफ विद इन सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। तो क्या है कि 20 से 22 गॉज का निडल इंसर्ट किया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, एंड बहुत ही स्लोली, एडवांस स्लोली प्रोसीजर है ये, बहुत धीरे से उसको इंसर्ट किया जाता है। और जब वो सब अरेक्नोइड स्पेस में पहुंच जाता है तो एक वाइट फ्लूड, जिसको हम सीएसएफ कहते हैं, वो उसमें आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप आईवी इंजेक्शन देते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट, जो सीएसएफ शुड बी नॉट बी एक्सीडेड 6 to 8 ml, 6 से 8 ml तक ही आपको सैंपल को लेना है, उससे ज़्यादा सैंपल को कलेक्ट नहीं करना है पेशेंट से, ठीक है। देन उसके बाद जो क्या होता है, उसके बाद सीएसएफ को लेने के बाद उसको ट्यूब में डाल दिया जाता है, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब्स होती है उनमें डाला जाता है, और फिर टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। इंडिकेशंस क्या क्या है उसके, की डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस की बात करें तो मेनिंजियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, मेनिंजियल इन्फेक्शन, एनसेफलाइटिस, सब एरेक्नोइड हैमरेज के लिए, लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया, इनके लिए इसको लिया जाता है। थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस की बात करें तो स्पाइनल एनेस्थीजिया के लिए जो है इसको लिया जाता है,
लंबर पंक्चर जो है किया जाता है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है लंबर पंक्चर के, मतलब कब नहीं करना चाहिए। सो ब्रेन ट्यूमर है अगर किसी पेशेंट को, या फिर लोकल इन्फेक्टिव लेजन है वहाँ पर, डिस एमिनेटेड स्क्लेरोसिस है या इंक्रीज है उसका ICP, इंक्रीज है दैट इज़ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है ठीक है तब नहीं ले सकते। डिस एमिनेटेड स्क्लेरोसिस के टाइम पे नहीं ले सकते। लोकल इन्फेक्टिव लेजन है अगर वहाँ पर, या फिर ब्रेन ट्यूमर है, उस कंडीशन में आप जो है लंबर पंक्चर को नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, ये एक डायग्राम यहाँ पर है, देखिए इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में ये निडल जाती है, देन इसको बहुत स्लोली डाला जाएगा और जब यहाँ से फ्लूड आना स्टार्ट हो जाएगा तब वहाँ से फ्लूड को ऑब्टेन कर लिया जाएगा। पेशेंट का पोजीशन ये रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लिए आपने, इंडिकेशंस पढ़ लिए, प्रेशर पढ़ लिया कितना होता है नॉर्मल प्रेशर, सो यही होता है आपका नॉर्मल। एंड ये आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, सो इसको आप पढ़ लें और समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को और वीडियोस के लिए। एंड तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।